हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज पहली बार मैंने कास्ट आयरन का कोई प्रोडक्ट मंगाया है। काफ़ी सुना था कुकिंग करते हैं और काफ़ी वीडियोस में देखा है, पर्टिकुलर फॉरेन की वीडियोस में, जो चाहे कैंपिंग हो कहीं पे भी हो, कास्ट आयरन का वो काफ़ी यूज़ करते हैं। और इवन देन जो कुकिंग वाली बुक्स आती हैं उसमें भी काफ़ी जगह मेंशन किया होता है। तो मैंने भी इसके लिए ट्राई करने के लिए आज पहली बार कास्ट आयरन का पैन ऑर्डर करा है। तो ये दोस्तों 10 इंच का है, रॉक ब्रांड का है और इसकी कॉस्ट है जो मुझे पड़ी है 950 रुपीज़। और ये 10.5 इंच है। 10.5 इंच का अगर आप साइज देखोगे तो मेरा हाथ देख सकते हो पूरा आ रहा है इसमें, तो ये काफ़ी बड़ा है। और इनका जो है वो 6 इंच का भी आता है, 8 इंच का भी आता है और 10.5, और ये 10.5 का है। तो आपको आइडिया लग गया होगा 10.5 कितना बड़ा है, और अगर आपको इससे छोटा 6 या 8 इंच के साथ भी जा सकते हैं। और ये दोस्तों इसकी जो थिकनेस जो बताई गई है ये 4.2 mm है, और इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे वो इसका वेट है। इस पैन का वेट रफली अभी इस टाइम आई थिंक 3 या 3.5 किलो होगा, तो ये काफ़ी हैवी है। इसे थोड़ा ध्यान से ही रखिए, और इसे स्टोरेज मतलब इसे रखने के लिए कोई अच्छी जगह होनी चाहिए। आप इसे नॉर्मल बर्तनों के साथ नहीं रख सकते, या स्टैंड पे जो हैंगिंग स्टैंड है पर्टिकुलर, कुछ इसे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग जो इसे होल्ड कर सके, क्योंकि ये 3.5-4 kg का इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं है इसका वेट। और इसमें अगर आप देख पाएंगे तो ये सबके साथ यूज़ हो सकता है, इंडक्शन के साथ, गैस के साथ, ग्लास के साथ, इलेक्ट्रिक कैंप फायर ओवन, इन सब में ये यूज़ हो सकता है। और ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ये है रॉक ब्रांड का। तो रॉक ब्रांड ने इसे क्या करा है, इसे सनफ्लावर ऑयल के साथ प्री सीजन करा हुआ है ऑलरेडी, उन्होंने बोला है। तो आपको ये ऐसा कलर दिखाई दे रहा है, और उन्होंने ये क्लियरली मैंशन करा है कि जब आप ये प्रोडक्ट रिसीव करो तो इसे पहली बार में कैसे यूज़ करना है। वॉश द प्रोडक्ट विद माइल्ड डिटर्जेंट, ड्राई विद क्लीन क्लोथ, अप्लाई ऑयल जनरली ऑन वर्किंग सरफेस, पूरे के ऊपर ऑयल लगा लेंगे हम, और लो फ्लेम गैस पे इसे हीट होने देंगे, और जब ये हीट हो जाएगा तो गैस बंद कर देंगे, उसके बाद इसे नॉर्मली अपने आप कूल होने देंगे। फिर उसके बाद ये आपका फर्स्ट टाइम का ये प्रोसेस है, ये हो गया। उसके बाद ये रेडी टू यूज़ है। आपको सिंपली क्या करना है, दोबारा जब ये कूल डाउन हो जाए सिंपली पानी लीजिए, पानी में इसे धोइए। बस इसका एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब आप इसे धो लें तो धोने के बाद अच्छी तरह कपड़े से सुखा लें, ये 2 से 3 मिनट लगेंगे। उसके बाद ही आप नेक्स्ट आइटम के लिए, नेक्स्ट जो भी आपने कुकिंग या रेसिपी करनी है उसके लिए यूज़ करिए। और यूज़ करने से पहले नीचे हल्का सा ऑयल लगा लीजिए और फिर इसे यूज़ करिए। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है जो मैंने अभी पढ़ी हैं, जो है बाकी मैं इस पर पहली वेजिटेबल सब्जी बनाऊंगा, उसकी वीडियो भी ऑफ कोर्स शेयर करूंगा। तो देखने वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, और साइज़ मेरे अकॉर्डिंग किया मैंने 10.5 इंच का ही प्रेफर करा था, मुझे बड़ा ही चाहिए था, तो आई एम ओके विद दैट। बस यही है, इसका वेट एक काफ़ी है, तो इसका ध्यान रखें। तो ये है बस जस्ट प्रोडक्ट का ओवरव्यू, बाकी कुकिंग करूँगा फिर मैं इसकी वीडियो और शेयर करूँगा कि कैसे यूज़ करा और क्या रिज़ल्ट रहे इसके। थैंक यू।